चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस को देख रहे हैं, क्लास 11 की। इसमें कोलिनियरिटी की बात कर रहे हैं, तीन पॉइंट की कोलिनियरिटी या तीन से ज्यादा कोलिनियर पॉइंट जो है। कोलिनियर मतलब को और लीनियर, लीनियर मतलब सीधा, को मतलब साथ। तो ये तीन पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये सारे कोलिनियर है। अगर हम कहें कि दो लाइन पैरेलल है और इनकी सेम स्लोप है लेकिन ये एक ही पॉइंट से पास होती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों लाइन एक ही है, कोइंसाइड कर रही है। ओके, तो यहां पर ये पॉइंट देखिए ए बी सी, यहां पर स्लोप जो ए बी का है वही इस बी सी का है। ए बी और बी सी का स्लोप सेम है, इसका मतलब ये है कि ए बी सी तीनों कोलिनियर है। तो तीन पॉइंट एच के है, एक्स वन वाई वन है आपके पास, एक्स टू वाई टू है, ये एक ही लाइन पे है, आपको ये शो करना है। तो अभी जैसे हमने बताया कि स्लोप दोनों के इक्वल होंगे, तो पी क्यू का स्लोप और क्यू आर का स्लोप ये दोनों आप बराबर करेंगे, यानी वाई वन माइनस के डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एच, ये बराबर कर दीजिए एक्स, ये वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको करिए, दोनों को रीअरेंज करिए, आपको ये उत्तर आएगा। इस एग्जाम्पल में देखिए यहां पर 10.9 में ये टाइम और डिस्टेंस ग्राफ है, यहां पर टाइम है, यहां पर डिस्टेंस ग्राफ, लीनियर मोशन चल रहा है, और जो दो पोजीशन है टाइम और डिस्टेंस की, इसको इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया कि जब टाइम जीरो है तो डी टू है, टाइम थ्री है तो डी एट है टाइम डिस्टेंस। अब इसी कॉन्सेप्ट से आपको आगे की चीज बतानी है। तो मान लीजिए ये टी और डी, मतलब जो टी और डी के बीच में रिलेशनशिप है वो बताना है आपको। तो टी और डी यहां पर लिख दीजिए, ये जो टी और डी है कोई भी हमने पॉइंट मान लिया, क्योंकि ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी एक्स एक्सिस और डी वाई एक्सिस, तो टी और डी, जैसे हम एक्स और वाई लिखते थे ना वैसे टी और डी लिखा। टी और डी में आप देखिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों क्या है, कोलिनियर, यानी 8-2 डिवाइडेड बाय 3-0 बराबर हो गया डी माइनस 8 डिवाइडेड बाय टी माइनस 3, दोनों को रीअरेंज कर लीजिए, डी इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ टी प्लस 1 आएगा। अब हमारी जो लाइन की इक्वेशन है वो बहुत सारे फॉर्म में होती है, एक लाइन की इक्वेशन नहीं है, यानी कि अब y इक्वल टू mx प्लस c, इसी तरीके से y का भी हम और देखेंगे जिसमें हम स्लोप डालेंगे। तो एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ये तो आप जानते हैं, तो हमारे पास हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट इस लाइन में आ रहा है, या तो तभी बोल सकते हैं जब इस ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, राइट। तो इसी के बारे में हम देखते हैं, कुछ एलजेब्रा इसमें देखते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर कोई पैरेलल है एक्स एक्सिस के इसका मतलब ये है कि उसका ये वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा बस आपको, ये वाई इक्वल टू ए, क्योंकि ये तो एक्स के पैरेलल है। इसी तरीके से यहां पर अगर आप करें तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि y आप नेगेटिव में आ गया माइनस ए, तो y इक्वल टू माइनस ए आ गया। सेम हम डिस्कशन या रीजनिंग करेंगे यहां के लिए, कैसे, अब देखिए x से दूरी है b और ये y के पैरेलल है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो x इक्वल टू माइनस बी, ये x पॉजिटिव में है, b दूरी है इस लाइन की लेकिन ये पैरेलल है y के, तो x इक्वल टू बी, इस तरीके से ये आता है। अब देखिए आपको इक्वेशन निकालनी है इन लाइंस की, पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2 एंड 3, -2 और 3 ये लीजिए, एक आप एक्स एक्सिस से पैरेलल बनाइए, एक वाई एक्सिस से पैरेलल बनाइए, हमेशा एक्स एक्सिस जो पैरेलल होगी उसमें वाई का कोऑर्डिनेट आएगा, यानी कि वाई इक्वल टू 3, जो वाई एक्सिस से पैरेलल होगी उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा, यानी एक्स इक्वल टू -2, इस तरीके से आएगा। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म देखिए, ये मैं कह रहा था कि इसमें हमारे जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c हमने पिछली क्लासेस में देखा है, अब थोड़ा इसको हम स्लो फॉर्म में देखते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास ये पॉइंट है p0 जिसको हमने x0 y0 बोला, इसके कोऑर्डिनेट्स, एक हमारे पास है पॉइंट p, ये दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं। अब इसमें इसका मान लीजिए स्लोप m है, m स्लोप क्या होगी, y माइनस y0 डिवाइडेड बाय x माइनस x0, ये हमने भी फर्स्ट पार्ट में देख लिया डिस्कशन जो हम कर रहे थे, तो ये स्लोप होता है, तो क्या करिए m को आप y माइनस y0 बाय x माइनस x0 लिख दीजिए, जरा इसको इधर ले जा लीजिए, तो y माइनस y0 क्या होगा, m x माइनस x0, ये जो इक्वेशन है आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हुई
कि y और x तो आपके वेरिएबल हो गए, कोई भी पॉइंट हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं ना। अब x0 y0 को एक मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, जैसे 2 और 3 अभी हमने देखा था इस तरीके से, तो ये अगर y माइनस 2 और 3 में ये 3 इक्वल टू m x माइनस 2, ये एक इक्वेशन हो गई। m मिल जाएगा तो एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अगर आपको एक इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो पास हो रही है माइनस 2 और 3 से और जिसका स्लोप है माइनस 4, अभी अभी हमने इक्वेशन देखी x0 y0 हमारा क्या माइनस 2 3, एम है माइनस 4, यहां रख दीजिए y माइनस ये वाला, ये अगर x x0 y0 मान लीजिए तो y माइनस y0 यानी कि 3 और x माइनस ये क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा x माइनस और माइनस 2 इज x प्लस 2, एम यहां रख दीजिए, इनको रीअरेंज कर लीजिए 4x प्लस y प्लस 5, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। और टू पॉइंट भी है इसमें, टू पॉइंट मतलब ये क्या है कि आपका एक पॉइंट ये दिया है, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ, ये पूरा वेरी कर रहा है एक पी एक्स वाई। अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है एक्स वाई के टर्म में तो कैसे करेंगे, देखिए जो स्लोप होता है वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। बस सीधा एम को क्या करिए, ये आपके पास एम है, और आप ये भी कह सकते हैं दो इसके तरीके, आप सीधा y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम वाई टू माइनस वाई वन बाय वाई टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो, एक हिस्से कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है इसमें y1 और ये y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन रख सकते हैं एक बार में, या माइनस वाई माइनस वाई टू एक्स माइनस एक्स टू, क्योंकि दोनों ही इसमें लाई करेगी और इसको सेटिस्फाई करेगी। चलिए इसके जनरल इक्वेशन निकालते हैं। हमें पता है कि जो स्लोप अभी इस लाइन में ये जो स्लोप है एक इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा, रख दीजिए इसको, ये पहली लाइन का स्लोप है दूसरी लाइन का स्लोप है, जो आधी आधी ये जो यहां से यहां तक यहां से यहां तक दोनों का स्लोप है बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया रीअरेंज कर दिया। ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो मैं आपको करके दिखा रहा था यहाँ वाई वन एक्स वन हमने रखा था वो इसका एक प्रारूप है, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन बाय एक्स माइनस एक्स वन। आपके पास दो पॉइंट है, देखिए आप कैसे होता है वाई माइनस वाई वन, ये देखिए ये एक्स वन है ये वाई वन है ये x2 है और ये y2 है। अब ये जो चीज है सीधा आप जो आपने अभी अभी आपने इक्वेशन देखी इसमें यहां पर इसमें यू हैव टू जस्ट पुट दिस वैल्यूज, तो y1 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 बाय x माइनस x1, रीअरेंज करिए आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी। अब एक और इक्वेशन देखिए जो हम पहले भी देख चुके हैं y = mx + c पिछले क्लासेस में, इसको थोड़ा सा रिविजिट किया जाए। स्लोप आपके पास m है, अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट क्या होता है इंटरसेप्ट ये होता है ये दिस इज इंटरसेप्ट, तो किसी भी एक्सिस पे ये भी इंटरसेप्ट है ये भी इंटरसेप्ट है, किसी भी एक्सिस पे या एक्सेस पे कहिए दोनों को जो कहते हैं एक्सेस कहते हैं, एक्सेस पे जो डिस्टेंस बन रहा है या जो कोऑर्डिनेट बन रहा है यही आपका इंटरसेप्ट है। स्लोप क्या है एम, अब देखिए आपको याद है वाई माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो, ये हमने किया था। अब यहां पर ये एक्स जीरो है ये वाई जीरो है, जरा जीरो और सी पुट कर लीजिए उसी इक्वेशन में जो हम पहले देख चुके वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपके पास एक और आ गई जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले क्लासेस में लेकिन ये रिविजिट है। और ये इक्वेशन देखिए आप, अगर मान लीजिए एक एक्स इंटरसेप्ट डी बन रहा है, मान लीजिए कि एक लाइन है एम और इसका एक्स इंटरसेप्ट डी है, तो क्या इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये बहुत आसानी से निकल सकता है, हम अभी आगे के एग्जांपल में भी देखेंगे। एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, एक इक्वेशन आपको एक लाइन की बतानी है जिसका टेन थीटा हाफ है, टेन थीटा क्या है यही तो एम है, यही तो एम दिया गया है आपको, जहां पर थीटा इंक्लिनेशन है लाइन का और वाई इंटरसेप्ट आपको माइनस थ्री बाई टू दिया है, एक पहले ये देख लेते हैं फिर एक्स इंटरसेप्ट ये दिया हुआ है, तो आपके पास क्या है एम इक्वल टू टेन थीटा, दोनों ही केस में एम इक्वल टू टेन थीटा है, तो सीधा आप इसमें एम की जगह हाफ रख देंगे, सीधा एम की जगह हाफ रख देंगे। y इंटरसेप्ट यानी कि c, ये आपके पास माइनस थ्री बाई टू है। अभी अभी आपने इक्वेशन देखी ये वाली y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये सीधा आप रख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये वाली जो चीज सीधा आप रख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगे आपकी। अब इंटरसेप्ट फॉर्म को थोड़ा और बढ़ाया जाए, कैसे आपका ये तो ये आपका y इंटरसेप्ट है b और ये आपका x इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो b, ये पॉइंट हो जाएगा a जीरो। जरा ये हमारी जो इक्वेशन हमने अभी अभी देखी थी y माइनस y वन इक्वल टू ये वाली,
उसी में रख दीजिए। इसको रख देंगे तो देखिए क्या फॉर्म आता है x, इसको रीअरेंज करिएगा। रीअरेंज का मतलब यह है कि अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करूं किसी एक नंबर कॉमन से, तो मैं ए बी से डिवाइड कर देता हूं सबको। इसको रीअरेंज किया, ए बी से डिवाइड कर दिया है, तो यह आएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन। ए आपका ये एक्स इंटरसेप्ट है, बी आपका वाई इंटरसेप्ट है, ये इक्वेशन। तो कितनी, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन हमने बना दी इसलिए। तो इसको भी देख ले, अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको माइनस थ्री और टू, आपको एक्स और वाई एक्सेस दोनों में इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। नॉर्मल फॉर्म, मानिए कि एक नॉन वर्टिकल लाइन है, उसके पास आपके पास एक तो परपेंडिकुलर की लेंथ दी है ओरिजिन से, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, और एक एंगल भी दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, यानी कि आपके पास यहां से लेकर यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है और ये एंगल भी है ओमेगा। देखिए ये दो केसेस हो सकते हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये एक्यूट है तब तो ठीक है। ऑब्ट्यूज में क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज में ये ओमेगा हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका पी ए तो रहेगा ही रहेगा पी। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। दोनों ही केस हम ये नेगेटिव, देखिए चारों डायरेक्शन में देख रहे हैं, अगर 0 से 90 है तो यहां तक, 90 से ऊपर तो यहां तक, फिर 180 से ऊपर है 270 के बीच में तो यहां तक, 270 से 360 के बीच में यहां पर, तो ये चार केसेस बन रहे हैं। इसमें आप देखिए हर एक केस में जो आपका ये OM है, अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहां से आपके एक्स एक्सिस पे, तो ये कितना है पी, तो ये पी कॉस थीटा होगा, ये पी साइन थीटा होगा, है ना, पी कॉस ओमेगा, ओमेगा बेसिकली। तो ओएम आपको मिल जाएगा पी कॉस ओमेगा, एमए मिल जाएगा पी साइन ओमेगा, और ये डिपेंड करता है कि किस कोऑर्डिनेट में। बेसिकली आपका जो ए पॉइंट है ये कुछ है नहीं, ये आपके पास एक्स और वाई है, और इस पॉइंट का एक्स और वाई अगर हम ओमेगा के टर्म्स में और पी के टर्म्स में देना चाहें, इस पी परपेंडिकुलर और इस एंगल ओमेगा के टर्म्स में देना चाहें, तो ये पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा, राइट। इसके आगे भी देखिए, जो लाइन ये एल है ये ओ ए के परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आना चाहिए, यानी कि इसका जो जो एल का स्लोप होगा वो इसके माइनस वन बाय दिस स्लोप होगा। इसका स्लोप तो हमें पता ही है, ओमेगा टेन ओमेगा, बेसिकली ओमेगा थीटा है, टेन ओमेगा लेंगे। टेन ओमेगा क्या है, कॉस, ये साइन बाय कॉस करिए और ऊपर जाएगा तो ये कॉस बाय साइन हो जाएगा, तो माइनस कॉस ओमेगा बाय साइन होगा। तो ये जो आपके पास आया स्लोप, पॉइंट भी हमने देख लिया, दोनों पॉइंट भी मिल गया, पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा। अब आपके पास इक्वेशन है वाई माइनस वाई वन वाली, है ना, यहां पर आप ये एम की जगह ये रखिए, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स एम एक्स माइनस एक्स वन, ये एम हो गया, ये दो पॉइंट हो गए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ये आपकी, इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम स्लोप वाला जो स्लोप लेके हम जो फॉर्म ले रहे हैं एक्स ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। इसमें डिस्टेंस पी है, एंगल आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, बस ध्यान रखिएगा इस तरीके से नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ठीक, ये समझ गया। अब अगले में आते हैं एग्जाम्पल में, आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से चार यूनिट है, यानी कि ये सीधा आपको पी दे दिया गया, और इसके अलावा ये जो एंगल है ओमेगा ये 15 डिग्री। अब कॉस 15 डिग्री ये होता है, साइन 15 डिग्री ये होता है, आप चाहे तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कॉस, दो तीन तरीके हैं इसके, आप इसको 60 माइनस 45 कर सकते हैं या 45 माइनस 30 कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं कॉस या साइन करके। तो कॉस और साइन दोनों यहां हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपके पास एंगल आ जाएगा, ये आप सीख चुके हैं पहले भी। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं जो कि लाइन की इक्वेशन है। हमारे पास ये है, सीधा रखिए x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, p है 4, cos ओमेगा sin ओमेगा यहां से आपने निकाला, यहां रख दीजिए, रीअरेंज करिए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से अब अगला जो है 12वां एग्जांपल, इसमें जो फारेनहाइट टेम्परेचर है f और एब्सोल्यूट टेम्परेचर k, ये एक लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। k आपको दिया है 273, यानी कि बेसिकली ये x1 और y1 बता रहे हैं, x 273 है तो y 32, x 373 है तो y आपका 212 y2,
ये आपके पास एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आ गया, सीधा इस इक्वेशन रख दीजिए, ये है वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, इस तरीके से रखिए आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या चीज है, फिजिक्स में आपने देखा है। हाँ, अब इन्होंने कहा ये तो हो गई के और एफ के बीच में रिलेशनशिप, इसको रीअरेंज करके ले आए, अब के इक्वल टू जीरो रख दीजिए। इन्होंने कहा के इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, के इक्वल टू जीरो देखिए आपका एफ आएगा माइनस 459.4। एक और अल्टरनेटिव इसका मेथड है, क्योंकि ये एक इक्वेशन इन्होंने कहा कि लाइन की इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख दीजिए, सीधा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखिए, यानी y क्योंकि ये k बता रहे हैं, x m बता रहे हैं, तो ये इक्वेशन हो गई। एक बार इससे सेटिस्फाई करिए इस इक्वेशन को, यानी कि आप x या बेसिकली f की जगह 32 रखिए, 273 k की जगह रखिए, एक बार ये रख दीजिए, दूसरी बार ये रख दीजिए x की जगह ये, यानी कि इस जगह f की जगह ये रख देंगे और k की जगह ये, दो इक्वेशन आपकी बन गई। दोनों को सॉल्व करिए, m और c आ जाएगा, इस इक्वेशन में रख दीजिए, और यहां पर आप k इक्वल टू जीरो करेंगे तो वही आएगा 459.4। ओके, इसमें दो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो ये हमने एक और पार्ट देखा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है स्ट्रेट लाइंस। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।